एक पिता जो अपनी बेटी का नाम और उम्र तक दूसरों को नहीं बताता, वही 15 साल की एक लड़की को उसके स्कूल से उठाकर प्लेजर ग्रुप में डाल देता है। नाम किम जोंग उन, जो हाल ही में दूसरी बार अपनी बेटी के साथ दिखा। जानना जरूरी है कि कैसे किम ने क्रूरता की हदें लांघी और प्लेजर ग्रुप में छोटी छोटी बच्चियों का शोषण हुआ। सबसे पहले समझिए कि प्लेजर ग्रुप होता क्या है। खूबसूरत लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप जो स्पेशली प्लेजर देने के लिए बनाया जाता है। इसे सेक्स पार्टी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे किप्पू मजो कहते हैं। माना जाता है कि इसमें करीब 14 से 30 साल की उम्र की 2000 लड़कियां होती हैं। इन्हें 3 स्पेशलाइज ग्रुप में बांटा जाता है, सेक्सुअल सर्विसेज, मसाज और सेमी न्यूड सिंगिंग एंड डांसिंग। ये काम इन्हें उम्र के हिसाब से मिलता है। माना जाता है कि सेक्स पार्टियों का ये ट्रेंड किम के दादा किम इल स्विंग ने शुरू किया, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी साल 2000 में सामने आई, जब केंजी फुजिमोटो नाम के जापानी शेफ ने अपनी किताब आई वाज किम जोंग इल्स कुक में इसका खुलासा किया। उन्होंने लिखा, इन लड़कियों का काम लीडर के साथ बड़े अफसरों को खुश रखना है। ये बड़े अफसर लीडर के खास और भरोसेमंद होते हैं, जिन्हें पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। नॉर्थ कोरिया में ये चलन किम के दादा और देश के संस्थापक किम इल संग ने शुरू किया। तब इसे किप्पम कहा करते हैं, यानी कोरियाई भाषा में खुशी। लड़कियों को चुनने का तरीका भी खास है। किम के खास लोग स्कूली बच्चियों पर नजर रखते हैं। अगर कोई बच्ची उन्हें पसंद आए, सेहतमंद लगे और खास करके वो वर्जिन हो, तो उसे उठाकर प्लेजर ग्रुप में डाल दिया जाता है। न परिवार से पूछा जाता है, न लड़की से। सिलेक्शन के बाद उन्हें एक अलग बिल्डिंग में रखा जाता है। यहाँ ट्रेनिंग होती राजसी लोगों से डील करने की। इसमें बातचीत, डांस और अपने शरीर के जरिए एंटरटेन करना सिखाते। कम उम्र की और सुंदर युवा लड़कियां लीडर के लिए रखी जाती, बाकी पॉलिट ब्यूरो के हवाले कर दी जाती। एक खुलासा नॉर्थ कोरिया के सीनियर जर्नलिस्ट ब्रेडली के मार्टिन ने साल 2004 में अपनी किताब अंडर द लविंग केयर ऑफ फादरली लीडर में भी किया। उन्होंने बताया, 70 के दशक में नेताओं ने साफ साफ कहा कि देश चलाने में बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, लिहाजा उनका मन बहलाने की जिम्मेदारी बाकियों पर है। तभी से युवा और अविवाहित लड़कियों का शोषण शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आई एक युवती मी यांग ने एक इंटरव्यू में कई डरावने राज खोले। मी को 15 साल की उम्र में क्लास से उठा लिया गया और 2 साल तक सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया, लेकिन मौका मिलते ही वो भाग निकली। तो ये थी नॉर्थ कोरिया में चल रहे प्लेजर ग्रुप की कहानी। आज जानना जरूरी है इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर।